Let us now discuss exercise 10.2 question number 12 in much detail. अच्छा इसमें हमको ये दिया है वी हैव अ सर्कल उसका सेंटर है ओ और ट्राइंगल इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है. इसका रेडियस है 4 और ये जो टेंजेंट है इसकी लेंथ दी हुई है 6 और इस तरफ है 8. बिकॉज ये एक्सटर्नल पॉइंट है और ये टेंजेंट है तो टेंजेंट के लेंथ सेम होने चाहिए. अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा. सिमिलरली इफ दिस इज 6 दिस विल बी 6 एंड लेट्स से दिस लेंथ इज एक्स दिस विल बी एक्स क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है दोनों टेंजेंट का जो लेंथ है वो सेम होगा. अब हम लोग इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे. एस सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं पूरे इसका पूरा का पूरा जो पेरीमीटर है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे. तो यहाँ पे है एक्स प्लस एक्स दैट इज 2x प्लस 8 प्लस 8 दैट इज 16 प्लस 6 प्लस 6 दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 2. तो इसका सेमी पेरीमीटर कितना आएगा x प्लस 8 प्लस 6 विच इज x प्लस 14. अब हेरेंस फॉर्मूला लगा के इसकी हम लोग एरिया निकालेंगे. एरिया इज रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी विच इज इक्वल टू रूट ऑफ s x प्लस 14 एस माइनस ए मतलब पहला साइड s माइनस ए ए मान लो हम लोग इसको ले लेते हैं ये वाला साइड. तीनों साइड ए क्या होता है ये साइड बी क्या होता है ये साइड एंड सी थर्ड साइड होता है. कोई भी साइड आप ए बी सी ले सकते हो. तो यहाँ पे s माइनस ए ए कितना है 6 प्लस 8 14 एस माइनस बी बी क्या है 8 प्लस एक्स एंड सी क्या है s माइनस एक्स प्लस 6 विच इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस 14. अभी s का वैल्यू पुट कर देते हैं. s है एक्स प्लस 14 यहाँ पे है माइनस 14 एक्स प्लस 14 माइनस 8 माइनस एक्स ये माइनस को हम लोग अंदर शिफ्ट कर देंगे. एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6 तो ये टर्म्स आएंगे यहाँ पे विच इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस 14 इंटू एक्स 14 14 विल कैंसिल आउट यूल गेट यहाँ पे भी एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा 14 माइनस 8 14 माइनस 8 इज 6 एंड यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा 14 माइनस 6 इज 8. तो ये एरिया का हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया. इसी ट्राइंगल का जो एरिया है हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते हैं. हम लोग इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. मतलब इसी ट्राइंगल की एरिया हम लोग दो अप्रोचेस से निकाल रहे हैं. तो एक ये बेस वाला ट्राइंगल फिर ये राइट साइड वाला ट्राइंगल और फिर ये लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल. तीन ट्राइंगल्स की हम लोग एरिया को जोड़ेंगे तो पूरे ट्राइंगल का एरिया बनेगा. तो अब एरिया का नया एक्सप्रेशन लिखते हैं. एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट हाफ बेस इंटू हाइट एंड हाफ बेस इंटू हाइट. तीन एरियाज हम लोग ऐड करेंगे. तो ये जो बॉटम का ट्राइंगल है इसकी एरिया देखो क्या है. इस ट्राइंगल की एरिया हाफ इंटू बेस बेस कितना है 14 हाइट कितना है 4 तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. उसके बाद ये जो राइट साइड का ट्राइंगल है इसकी एरिया हम लोग ऐड करेंगे. हाफ इंटू बेस इज 8 प्लस एक्स हाइट इज 4 तो यहाँ पे आएगा 8 प्लस एक्स इंटू 4 और फिर ये लेफ्ट साइड का ट्राइंगल हम लोग ऐड करेंगे इसकी एरिया ऐड करेंगे तो हमको पूरे ट्राइंगल की एरिया मिलेगी जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाली हुई है. ये बड़ा सा एक्सप्रेशन ये पूरे ट्राइंगल की एरिया है. तो ये लेफ्ट साइड के ट्राइंगल की एरिया कितनी है बेस है 6 प्लस एक्स हाइट है स्टिल 4 तो यहाँ पे आएगा 6 प्लस एक्स इंटू 4. ये जो एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ पे भी 4 अपॉन 2 है तो 4 अपॉन 2 हम लोग बाहर निकाल देंगे. अंदर आएगा 14 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स 4 अपॉन 2 इज 2 और यहाँ के टर्म्स क्या है एक्स प्लस एक्स इज 2x प्लस 4 प्लस 6 इज 20 20 प्लस 8 इज 28 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 और हम लोग इस ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो अंदर आएगा x प्लस 14. तो हमको क्या मिला है यहाँ पे सेम उस बड़े ट्रायंगल की एरिया एरिया का फॉर्मूला जो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वो लगा के हमको मिली है और यही एरिया हमने हेरेंस फॉर्मूले से भी निकाली है. अब ये दोनों एरियाज क्या हैं इक्वल इनको हम लोग इक्वेट करेंगे तो रूट ऑफ एक्स प्लस 14 एक्स 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 एक्स प्लस 14
दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो एक्स प्लस 14 एक्स 6 इंटू 8 इज इक्वल टू, जब आप स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट चला जाएगा, यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर होगा 16 और यहाँ पे आएगा एक्स प्लस 14 द होल स्क्वायर। दोनों तरफ ये एक्स प्लस 14 का एक फैक्टर कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे बच जाएगा 6 एट जब 48 एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स प्लस 14। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 16 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, 16 थ्री ज़ा 48 तो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14। यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये x को हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 2x का वैल्यू आएगा 14, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7। x का वैल्यू अगर आप यहाँ पे 7 पुट करते हो तो 7 प्लस 8 कितना होगा 15, तो इस साइड की लेंथ है 15, यही हमको निकालना था। x का वैल्यू 7 यहाँ पे रखते हो तो 7 प्लस 6 कितना होगा 13, इस साइड की लेंथ है 13।